बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें कि अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर हर्ष फायरिंग करते दो युवकों का वीडियो वायरल। ये बुलंदशहर से खबर, जहां पर हर्ष फायरिंग करते दो युवकों का वीडियो वायरल। बर्थडे पार्टी में तमंचे से हर्ष फायरिंग करते नजर आ रहे युवक। खुर्जा पुलिस ने युवक को अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। आपको बता दें कि बुलंदशहर से आप तक खबर पहुंचा रहा है, जहां पर हर्ष फायरिंग करते दो युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि बर्थडे पार्टी में तमंचे से हर्ष फायरिंग करते नजर आ रहे हैं युवक, जिसका ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप ये वायरल वीडियो देख सकते हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बर्थडे पार्टी में तमंचा चलाते ये युवक दिख रहे हैं। बुलंदशहर से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर बर्थडे के मौके पर हर्ष फायरिंग करते ये दो युवक दिख रहे हैं। आप ये वायरल वीडियो देख सकते हैं, वायरल वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे इस पर हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता अनिल मीणा। अनिल, ये जो वायरल वीडियो हो रहा है, जिसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्थडे के मौके पर इन युवकों के द्वारा फायरिंग की जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं तो खुर्जा कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां बर्थडे की पार्टी में ये हर्ष फायरिंग करते हुए दो युवक वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और लगातार फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो एक युवक को हालांकि कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे युवक को भी पुलिस का कहना यह है जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से जनपद बुलंदशहर में लगातार हर्ष फायरिंग की वीडियो देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं युवकों में जिस तरह से होड़सी लगी हुई है कि वीडियो वायरल करना, तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार युवक क्राइम करने से और हर्ष फायरिंग के जो हथियारों को लहराते हुए बिल्कुल अपने आप को डरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पुलिस को और सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे कि जो युवक हैं इस तरह की जो घटना कर रहे हैं, इस तरह के हर्ष फायरिंग कर रहे हैं, जो आगे को नहीं हो पाए। हालांकि जनपद बुलंदशहर के SSP ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर इस तरह के किसी भी थाना प्रभारी के क्षेत्र में हर्ष फायरिंग करते हुए कोई वीडियो वायरल होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। जी, यह अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद अनिल। तो आपको बता दें कि ये वायरल वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बर्थडे के मौके पर हर्ष फायरिंग करते ये दो युवक दिख रहे हैं। आपको बता दें कि युवकों में नहीं है प्रशासन का खौफ, जहां पर आपको बता दें कि इस हर्ष फायरिंग के चलते किसी को भी कुछ भी हो सकता है, पर भी बेखौफ ये युवक अपने बर्थडे के मौके पर हर्ष फायरिंग कर रहे हैं।